सो गाइस चेक आउट दिस अब अभी थोड़ा पूरा ट्रेन रूम कैसी है एंडी हेलो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट इज आर्यन अनुपम ब्लॉग। सो आप देख रहे हो मेरा चैनल। आज हम लोग आए हैं नेरवा। फिलहाल मैंने स्टार्टिंग में बोला नहीं आपको कि हम आज कहाँ जा रहे हैं, बाकी आप थंबनेल से समझ चुके होंगे कि हम लोग कहाँ हैं। अभी फिलहाल मैं पार्किंग पे गाड़ी लगा दी और आज है मीटिंग और आज करने वाले हैं हम नेरवा को एक्सप्लोर। सो गाइस बने रहिए इसी तरह चैनल से, बाय। ये ब्लॉग रहने वाला है, इस पर हम आपको नेरवा को एक्सप्लोर करने वाले हैं। नेरवा का जो भी पूरा मार्केट रहता है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। बाकी आप देखिए अभी विजुअल जो आपको दिख रहे हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Sun rays and I... गाइज वेलकम बैक अगेन। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नेरवा पे। अभी मैं फ्रंट का आपको व्यू बताता हूँ। अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद मीटिंग अटेंड करते हैं। आज हम लोग आए हैं मीटिंग अटेंड करने। सामने का व्यू देखो, यहाँ घर ही घर है और बहुत कूड़ा पड़ा यार। ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा यहाँ की, इतना कचरा है। और बाकी कपिल भोजनालय पर आए हैं, ये काफ़ी अच्छी सर्विस है इन लोगों की। और ऑल ओवर देखा जाए तो नेरवा में सबसे अच्छा ढाबा कपिल भोजनालय मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत टाइम बाद खाना खाया है तो मेरे एक्सपीरियंस यहाँ से अच्छे हैं। तो होप अगर आपको अच्छा लगे तो यहाँ आप विजिट कर सकते हो। बाकी सामने कूड़ा देखो यार, कितनी गलत बात है। आप यहीं रहते हो तो ये चीज़ आपको कवर करना चाहिए। मैं दिखा देता हूँ एक बार। सबसे पहले तो व्यू देखो भाई, यहाँ घर बन रहे हैं नए, बट लेकिन यार जब आप कूड़ा देखो ना तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा यार। ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं लगी। नेरवा में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें हैं भाई, आपको मैं जहाँ पर भी दिखाऊँगा ना ये कचरा आपको हर जगह मिलेगा यार। ये गलत बात है। तो जो कोई भी नेरवा से मेरी वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़ यार गाइस आप थोड़ा इनिशिएटिव ले लिए। आपका नेरवा है यार, ये नेरवा की बात नहीं यार, प्रकृति हमारी है। आप इस पूरा कचरे को यार साफ करो। ये देखो यहाँ पे पूरा प्लास्टिक पड़ा है भाई पूरे तक। तो गाइस अब करते हैं ब्रेकफास्ट। कैसी है एंडी? बेरन। कौन सी कॉफी है? कैपेचिनो? दूध वाली। ठीक। सो गाइज वेलकम बैक। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बीचों बीच नेरवा के। तो अभी फिलहाल मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं एक शॉप। द शॉप इज़ नियर बाय द पिज़्ज़ा प्लेनेट। बाकी आप अंदर जाके देखिए, आपको हर एक आइटम मिल जाती है। और ये देखिए बैकग्राउंड का लोकेशन, आप आइडिया लगा सकते हो कि मैं कहाँ पे हूँ। और बाकी आपको अंदर चल के शॉप बताते हैं। यहाँ पे आपको ऑल आइटम मिल जाएगी। मैं अभी सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज बताता हूँ कि यहाँ क्या 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 आइटम है। बाकी आप देखिए एक बार चेकआउट कीजिए। तो आइए गाइस अभी मैं आपको शॉप पे सारी चीज़ें बताऊंगा सीक्वेंस वाइज। अभी शायद शोर आ रहा है तो आप अंदर आइए। और यहाँ देखिए आपको वुडन की आइटम मिल जाती, वुडन की सारी आइटम है यहाँ पे। बाकी आप अगर यदि आपको प्लास्टिक में कुछ लेना है, प्लास्टिक की एक बार यहाँ नजर मारिए आप। और ये
नीचे देखिए, इधर आप मेन रोड देखेंगे तो यहाँ आपको पूरा जो आपका ये मग्स होते हैं, कप्स होते हैं, ये आपको पूरा मिलने वाली है सारी आइटम। बाकी आप जो भी और आइटम जो होती है वो वुडन की सारी चीज़ें, जैसे आप क्लॉक लीजिए या मसाला बॉक्स लीजिए या ये मग ले लीजिए, ये अपने एक भाई की शॉप है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप नियर बाई ये कोऑपरेटिव बैंक के पास है, आप यहाँ पे ले सकते हो सारी आइटम। बाकी मैं आपको फ्रंट कैमरा से दिखाने की एक बार कोशिश करता हूँ। आपको यहाँ से कोई भी चीज परचेज करना है तो भाई का नाम है अजय द फ्राइक और ये शॉप का एड्रेस है जहाँ पे पिज़्ज़ा प्लेनेट है, या आप नियर बाय कोऑपरेटिव बैंक के साथ राइट साइड को ये शॉप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शन है, आप या बर्थडे हो या कोई रिटायरमेंट हो या कोई पार्टीज हो, अगर कोई गिफ्ट देना हो तो यहाँ पे तो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं विनोद भाई के सैलून में। यदि मैं आपको शॉर्ट शब्दों में बताऊं, विनोद भाई का जो सैलून है वो वन ऑफ द बेस्ट सैलून है पूरे नेरवा में। यदि आपको कभी भी दाढ़ी बनवाना हो या ट्रिम करवाना हो या हेयर कट करवाना हो तो इससे बेस्ट हेयर कट पूरे नेरवा में कहीं नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और बाकी आप जिस मर्जी से पूछ सकते हो, यहाँ आए। और यहाँ की लोकेशन है ओल्ड बस स्टैंड, ओल्ड अभी थोड़ा पूरा ड्रिंक रूम बना लिया है और भाई ने बनाए और पीछे विनोद भाई खड़े हैं, और बाकी अभी आगे जाने वाले हैं आगे कपिल भोजनालय में, फिर जाएंगे शिवलोती टेंपल पे। और तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे, बाय। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शिवलोती महाराज के मंदिर पे, जो इतना ऊंचाई पे है ना गाइस, बहुत सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग है नेरवा की। और बाकी अभी यहाँ माथा मुथा टेकेंगे और प्रसाद प्रसूद लेंगे, बाकी आपको यहाँ के विजुअल बताएंगे। यहाँ से नेरवा, मोस्ट ऑफ दी नेरवा दिख जाता है, ग्राउंड दिख जाता है, डूडी माता मंदिर दिख जाता है। और बाकी भाई इतनी ऊंचाई है ना, मैं आपको आइए ले चलिए मैं दिखाता हूँ आपको नीचे। सो गाइज ये देख सकते हैं आप यहाँ से व्यू, पीछे एंडी पीछे, ये यहाँ पे डूडी माता का मंदिर और आगे यहाँ पे ग्राउंड। और बाकी यहाँ से देखो भाई कितनी ऊंची बिल्डिंग, देखिए भाई एक पास सामने वाली देखिए भाई, एक दो तीन चार पांच मंजिल की तो ये बिल्डिंग है भाई, ये छोटी पड़ रही है, सोचो फिर हम कितनी हाइट में होंगे। बाकी अभी ले चलते हैं आपको अंदर, चलिए। सो गाइज यहाँ पे बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है और पीछे शिवलिंग है। और मुझे इसकी स्टोरी नहीं पता, यदि कोई नेरवा से वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ इस पर कमेंट कीजिए और मुझे प्लीज़ बताइए कि मैं बड़ा ही क्यूरियसिटी है मुझमें ये जानने की, मतलब यहाँ की क्या स्टोरी रही है। ये जो बिल्डिंग है ये है हमारे जो पूर्व ML रहे हैं यहाँ के, सुभाष मंगलेट जी की। बाकी यहाँ सामने मेरे नंदी है और बाकी आस पास मैंने आपको दिखा दिया, बाकी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। ये डब्बा भी लाएंगे। फाइनली मंदिर देख के आए हैं, अब जाते हैं कहीं नेक्स्ट जहाँ पे अगला विजिट रहने वाला है नेरवा में, बाकी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो सो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं डॉक्टर बेकरी में, बेसिकली डॉक्टर नहीं है, बेसिकली ये DR बेकरी है। यदि आपने यहाँ के फास्ट फूड ट्राई नहीं किए हैं तो चेकआउट द फास्ट फूड ऑफ दिस रेस्टोरेंट। मैं बाकी लोकेशन आपको बाहर से बता दूंगा। बाकी यहाँ का जो टेक्सचर है मोमो का और बाकी चाउमीन आपको दिखाऊंगा भी, बाकी आपको मेन्यू शेयर करूंगा। तो सब इसी तरह बने रहिए, यदि आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि ऑलरेडी है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और लुक एट द मोमोज गाइस।
तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल आर्यन अनुपम ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ की शॉप की जो लोकेशन है वो ओल्ड बस स्टैंड के नज़दीक है। यदि आपको आना है तो आपको सबसे पहले बोर्ड दिखेगा जो मैं वीडियो में दिखा दूंगा, डी आर बेकरी करके। अगर आप यदि आपने फास्ट फूड ट्राई करना है तो सबसे अच्छा फास्ट फूड पूरे नेहरों में यहीं का है। ये देखिए पीछे मेन्यू है और यहाँ ये भाई है रहते हैं यहाँ पे। क्या नाम है भाई आपका? देवेंद्र शर्मा भाई यहाँ पे आपको मिलेंगे और इनका नेचर बहुत ही अच्छा है। और बाकी आपको मैं बाहर से लोकेशन बता देता हूँ, आप इस शॉप में ज़रूर विजिट कीजिए भाई। मतलब आपको हर चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और इतने अच्छे कुक हैं यहाँ पे और बाकी सारी फैसिलिटी अच्छी है। मैं लगभग 3 महीनों से ये ट्राई कर रहा हूँ और मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। बाकी आप एक बार लोकेशन देख लीजिए शॉप की। सो होप गाइज आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। तो यदि अच्छे लग रहे हो तो डू लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और बाकी अभी हम फिलहाल निकल चुके हैं बीजमल की ओर, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोगों को गुड बाय। Circle of life, doing the things I know, walking the same ways 100 times with the same soul. But do you ever try path on the right side, put it up in your mind? But do you ever try path on the left side, put it up in your mind?